गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 11 हिंदी मीडियम। फर्स्ट आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू अबाउट योर रिजल्ट्स। दोज स्टूडेंट्स हैव रीच्ड इन क्लास 11 हिंदी मीडियम। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टुडे इज फर्स्ट डे टू टेक योर क्लास। First, I want to give suggestion about your English course and about the study, how that you do your study. First, I have to know about your syllabus, about your course. In your course, your papers will be provided into four sections: Section A, Section B, Section C, and Section D. Section A, Section B, Section C, and Section D. In Section A comes reading skills. Section A में reading skills आता है। Reading skills में क्या होता है, जो सीन पैसेज होता है वो आता है। सीन पैसेज का मतलब होता है जो आपका अप्रोच होता है, आपके क्लास में पोइट्री होती है, ठीक है, उसका पैराग्राफ होता है बेटा छोटा छोटा, और वो जो है दिया जाता है। ये जो है 20 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में। चलिए बात, इसके बाद आता है आपका सेकंड नंबर पे राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स बहुत जरूरी है बेटा, है ना। और इसके बाद आता है आपका ग्रामर, और सेक्शन डी में आता है टेक्सुअल एक्सरसाइज। टेक्सुअल एक्सरसाइज आता है, ये आता है, ये चारों मिला के आपके हो जाते हैं टोटल 100 मार्क्स के, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा आपको जो चैप्टर में जो प्रिपरेशन करना रहता है, तैयारी करना रहता है, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी रहता है एग्जाम में। इट इज मस्ट, ठीक है। तो आज मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करना चाहता हूँ ग्रामर से, ठीक है। और फर्स्ट आई वांट टू स्टार्ट बेसिक इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट नंबर पे। सपोज दैट मानिए कि आप बिल्कुल गर्मी छुट्टी में भूल गए होंगे, है ना, हर चीज, तो कैसे ग्रामर में क्या कैसे स्टार्टिंग। सबसे पहले आता है लेटर, फर्स्ट नंबर। जब भी कोई इंग्लिश का कोई इंग्लिश में लेटर आता है, लेटर की मीनिंग यहाँ होती है, लेटर मीन्स अक्षर। यहाँ पर जो लेटर की मीनिंग है अक्षर से है, ठीक है, इससे है अक्षर। ये क्या होता है, व्हाट इज लेटर, फर्स्ट क्वेश्चन स्टैंड हियर, व्हाट इज लेटर। अ लेटर इज अ वर्ड व्हिच इज रिटन विदाउट सिस्टमेटिकली, इट इज कॉल्ड लेटर। ये अक्षर क्या है, मतलब जैसे हम आप देखते हैं, मतलब जैसे हम कहीं जाते हैं, कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, तो वहाँ से सामान क्या करते हैं, पहले बैग में रखते हैं या किसी भी चीज़ में रखते हैं, तो क्या हम जमा के रखते हैं क्या उसको, नहीं ना, छोड़े में से भर लेते हैं, ठीक है। सेम इसी टाइप का है, क्या लेटर इज ए वर्ड व्हिच इज रिटन लेटर इज अ वर्ड व्हिच इज रिटन विदाउट सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड
विदाउट सिक्योरिटी के लिए क्या है, विदाउट सिक्योरिटी के लिए, विदाउट सिक्योरिटी के लिए यही है। जैसे एग्जांपल में आप देखिए यहाँ बी एन जेड क्यू पीटी, ये विदाउट सिस्टमेटिक है, इसमें कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। जो बिना सिस्टम के लिखा जाता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग, ये आपका स्टार्टिंग है, ठीक है ना, ये हो गया आपका लेटर। अच्छा, सेकेंड नंबर पे आता है इसके बाद अल्फाबेट, अल्फाबेट, अल्फाबेट मीनिंग क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला, क्या होता है, वर्णमाला, क्या होता है, एन अल्फाबेट, एन अल्फाबेट इज अ वर्ड, एक क्यों लिखा जा रहा है, अ लेटर इज अ वर्ड, एन अल्फाबेट इज अ वर्ड, ये इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि ये जिसकी कोई मीनिंग होती है, विच दोज मीनिंग, वन आर मोर देन टू आर मोर देन वन, इट इज कॉल्ड, जिसकी कुछ मीनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। एन अल्फाबेट इज अ वर्ड विच इज रिटन सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड अल्फाबेट, जो बिल्कुल सिस्टम से लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, जैसे ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है, ए टू जेड, ये निश्चित है, इसमें ए के बाद बी आएगा, बी के बाद ही सी आएगा, ए टू जेड जो बच्चे हम लिखते हैं, इट इज कॉल्ड अल्फाबेट। देयर आर in three points, इसके तीन प्रकार होते हैं अल्फाबेट के, तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन सा होता है, फर्स्ट नंबर जो होता है उसको बोलते हैं वॉवेल, सेकेंड नंबर होता है सेमी वॉवेल, और थर्ड नंबर जो होता है ना वो कराता है कॉन्सोनेंट। वॉवेल मीन्स क्या होता है, स्वर होता है, सेमी वॉवेल मीन्स क्या होता है, सेमी वॉवेल उसको बोलते हैं, देखिए पहले वॉवेल ले लिया, ये हो गया ये अर्थ, ए टी आई ओ एन यू, ये किसने आता है, आपके वॉवेल में आता है। सेमी वॉवेल में क्या आता है, सेमी वॉवेल में आता है डब्ल्यू एन वाई, ये सेमी वॉवेल है, ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों में आता है, कई घटे से ध्यान दीजिए आप, ये दोनों में से आता है कि जब हम डब्ल्यू को और वाई को किसी भी वर्ड के लास्ट में जब हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो वो क्या होता है, उसको सेमी वॉवेल में आता है। जब हम इसको किसी वर्ड के स्टार्टिंग में हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है, जिसका जो प्रोनाउंसिएशन है आपका कहाँ से लेके हिंदी में, ध्यान दीजिए बेटा, कहाँ से लेके ज्ञान के बीच में जो होता है वो कॉन्सोनेंट में आता है, इसमें आपका सेमी वॉवेल भी आ जाता है। जैसे जब हम इसको बोलते हैं वे, देखिए क्या बोले, वे, ठीक है, वे बोले तो वे का उच्चारण किससे के बेटा, देखिए कहाँ से क्या के बीच में आता है, नहीं है, आता है ना, ठीक है,
तो ये क्या हो गया, ये आपके कंसोनेंट में आ जाएगा। जैसे आप सुने होंगे बहुत ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सब क्या होता है, रेस्ट ऑफ द लेटर्स कम्स अंडर अ कंसोनेंट, सब कंसोनेंट में आता है। लेकिन सेमी वोवेल क्या होता है, सेमी वोवेल ये होता है जो आपको बताया, ठीक है। अब अगर इसको आप ऐसे लिखते हैं टी डब्ल्यू, और इसको क्या बोल रहे हैं टू बोल रहे हैं, अब टू को कैसे लिखते हैं, का प्लस, ठीक है ना, क्या लगता है बड़ी, तो इसको मिला के कौन हो जाता है, टू हो जाता है। ये जो ये आता है आपको मालूम है वावेल का जो प्रोनाउंसिएशन होता है आ से आ तक में होता है, आ से आ तक जिसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसमें क्या आता है आपका वावेल होता है, और इसके पहले जो है कंसोनेंट होता है। तो बेटा आज जो है आज आपकी क्लास में ये वावेल सेमी वावेल कंसोनेंट्स यहाँ तक है, ठीक है। और आप बिल्कुल बेसिक ग्रामर की कोई चीज समझिए, जब तक आपको बेसिक ग्रामर नहीं मिलेगा बिल्कुल इंग्लिश संभव नहीं है। थैंक यू।